सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू टेक रक्षक। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी गोल्डन मास्टर सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 4th, जिससे मैं कि गाइस मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ हमारे लाइव टेस्टिंग के बारे में, कि आप कैसे जो आप कोडब्लर के अंदर कोई भी ऐप डेवलप करते हो तो उसको कैसे आप अपने मोबाइल डिवाइस में लाइव टेस्ट कर सकते हो, एंड आप टेस्ट कर सकते हो कि एक यूज़र को कैसे वो ऐप अपनी मोबाइल डिवाइस में दिखने वाली है। सो गाइस, फर्दर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी कोडब्लर मास्टरी सीरीज चल रही है, एंड गाइस अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, अभी मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो पर, एंड यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है हमारा कोडब्लर क्रिएटर, एंड गाइस यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा हमारी स्प्लैश स्क्रीन, जिसको कि हमने अपने लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3rd था उसमें क्रिएट किया था, जिसमें कि हमने बात की थी कैसे आप एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो हमारे कोडब्लर के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पे गाइस मैंने बाद में कुछ चेंजेस किए थे तो ये पहले से ही मैंने डिलीट करके रखे हुए हैं। तो वो यहाँ पे गाइस आपको लाइव टेस्ट करने के लिए अपनी ऐप को क्या करना होगा, आपको कोडब्लर ना एक ऐप दे देता है जिसका नाम है कोडब्लर कंपेनियन। आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर प्ले स्टोर पर जाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल डिवाइस शो कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही गाइस इंस्टॉल करके रखी हुई है कोडब्लर की कंपेनियन ऐप, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोडब्लर की ऐप दिख जाएगी, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर गाइस जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एंड फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए कोडब्लर, एंड जैसे ही आप कोडब्लर लिखोगे तो आपको कंपेनियन अपने आप ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो कोडब्लर कंपेनियन पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको फर्स्ट ऐप मिल जाएगी कोडब्लर कमीशन, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए एंड इसको जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, एंड अपडेट भी कर लीजिए अगर आपने अपडेटेड आपकी ऐप नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अभी इसको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी ऐप जो है वो अभी अपडेटेड नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा जब तक ये जो है वो इंस्टॉल होकर अपडेट हो जाती है। सो गाइस यहाँ पर हमारी ऐप जो है वो अपडेट हो चुकी है, एंड मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ ओपन पर। तो जैसे ही मैंने गाइस हमारी ऐप जब ओपन हुई तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस क्योंकि मैंने पहले से ही ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो इसको मैंने जो है वो अपना डार्क मोड जो है वो इनेबल करके रखा हुआ था, तो मैं ऊपर यहाँ पर आपको डार्क मोड इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। एंड जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को चलाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है, एंड अगर आप डार्क मोड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट जैसा एक आइकन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे और ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अभी दोबारा से इसको लाइट मोड में करता हूँ। तो गाइस अभी लाइव टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जहाँ पर भी है आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, एंड यहाँ पर गाइस आपको ऊपर जो टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आप क्लिक कीजिए, एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू कंपेनियन। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा जो कि है ये, एंड उसके साथ साथ एक QR कोड मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, अपने ऐप में यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्कैन QR कोड, एंड यहाँ पे आप जो है वो मैनुअली टाइप कर कर भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको जो है वो QR कोड स्कैन पर क्लिक करूँगा, एंड इसका QR कोड जो है वो स्कैन कर लूँगा। तो ये हमारा QR कोड जो है वो स्कैन हो चुका है, एंड अभी ये जो है वो लाइव टेस्ट के लिए कनेक्ट होगा हमारे कोडर के साथ, जिसके बाद यहाँ पर हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमें हमारे मोबाइल डिवाइस पर लाइव शो होगी। तो गाइस अभी कोडलर के नया जो अपडेट आया उसमें जो है वो इसने कंपेनियन के अंदर भी एड्स जो है वो लगा दिए हैं, नीचे आप देख सकते हो आपको ऐड दिख रही होगी, एंड इवन कि इसको रिमूव करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऐप जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, एंड जैसे ही यहाँ पे गाइस 2 सेकंड ओपन हुए, सॉरी ओपन कह रहा हूँ सॉरी, जैसे ही हमारा 2 सेकंड पूरे हुए तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन 2 जो है वो ओपन हो रही है, जिस पर कि हमने लिखा था दिस इज अवर मेन स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने आउट डाल दिया। तो मैं दोबारा से जाता हूँ गाइस हमारे कोडलर में, एंड यहाँ पे मैं इसको फिर से स्क्रीन 1 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आता हूँ दोबारा से तो आप देख सकते हो नीचे लोडिंग बार है, एंड ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है जिसमें कि गाइस 2 सेकंड के बाद ये स्क्रीन 2 पर आ रहा है। सो गाइस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड आपको पता लगा होगा कि आप कैसे जो है वो अपनी ऐप को लाइव टेस्ट कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, एंड गाइज आई होप आपने जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।